नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण सात विषय हिंदी पाठ छ डॉक्टर विक्रम साराभाई पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 34 पर छे। पाठ छ डॉक्टर विक्रम साराभाई साहित्य प्रकार छे जीवनी। एमना जीवन विषयनी माहिती आपणे अहीं जोवा मळशे। तो दरेक विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक में पेज नंबर 34 खोलीने तैयार राखे कि हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्र में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। कि भारत स्वतंत्र होने के बाद विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इनमें से एक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। प्रस्तुत पाठ में डॉक्टर विक्रम साराभाई के जीवन तथा कार्यों का परिचय दिया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आज आप डॉक्टर विक्रम साराभाई ना जीवन विषय नो अभ्यास करीशु। चलो शुरुआत करिए कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जब वे मात्र 2 वर्ष के थे, तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी यानी नामी, खूबज बालकनु नाम थसे। और उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली कि आ बाड़के रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी हती पोताना कार्यों थी, पोताना काम थी सिद्ध करी आपेलू। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। शू तमे जाणो छो ए कोण हता? ए हता अपना महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। कि डॉक्टर विक्रम साराभाई नो जन्म 12 ऑगस्ट 1919 अहमदाबाद में थयो हतो। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। कि तेमनो परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार हतो। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। कि तेमना पितानु नाम अंबालाल अने मातानु नाम सरला देवी हतु। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कि विक्रम साराभाई 8 भाई बहन हता। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। बाल्यकाल एटले बाल्यकाल थी, नानपण थी ज प्रतिभा संपन्न विक्रम साराभाई ना बाळपणनो आ प्रसंग सफलता प्राप्त करवानो उत्कट इरादो दर्शावे छे। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। कि ज्यारे तेओ 5-6 वर्षना हता त्यारे पोताना परिवार साथे शिमला गया हता। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठिया आती थी। कि शिमला में तेमना पिता श्री अंबालाल ना नामे घणा पत्रों आवता हता। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि
उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। आ जोईने बाळक विक्रमना मनमां पण एवी इच्छा थई के मारा नामे पण खूब पत्रो आवे। इसलिए कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पत्ता लिखा और डाक घर में डाल दिए के एटला माटे तेमणे अनेक कवर उपर पोतानुं नाम तथा सरनामुं लखीने तेने टपाल पेटीमां नाखी दीधा। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठी आने लगी। पछी तो तेना नाम पर घणी बधी चिट्ठीओ पत्रो छे आववा लाग्या। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। पिताए आ जोयुं तो विक्रमना आ कार्यनी पाछळ रहेलो उद्देश्य जाणवानी तेमना मनमा इच्छा थई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। हकीकत खबर पड़ता तेमने हसवू आव्युं। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, परंतु सफलता प्राप्त करवानी इच्छा जाणीने तेमना पिता ने सारू लाग्यु। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कला बाजियां करते और लोगों को अचंभित कर देते कि ज्यारे तेओ 8 वर्षना हता त्यारे साइकिल पर जुदा जुदा खेल करता अने लोगों ने चकित करी देता हता। अचंभित एटले के चकित। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे, तेमने साहसिक कामों करवा खूबज गमता हता। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी के गणित अने भौतिक विज्ञान मा तेमने ऊंडो रस हतो। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की के तेमने मैट्रिक नी परीक्षा 1934 पास करी। सन 1934 से 1937 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद से इंटर की पढ़ाई की। 1934 से 1937 सुधी गुजरात कॉलेज ना अहमदाबाद में इंटरनो अभ्यास करियो। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए। 1937 में इंग्लैंड गया। सन 1940 में केम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में BSc की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। त्यार पछी तेमणे सन 1940 में केम्ब्रिज में गणित अने भौतिकशास्त्र साथे तेमणे BSc नी परीक्षा पास करी, तेमां सफलता मेळवी। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। पछी बीजू विश्वयुद्ध शुरू थता ज विक्रम साराभाई भारत पाछा फर्या। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला के भारत में आवीने तेमने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा नु सानिध्य तेमने प्राप्त कर्यु। तेमनो साथ सहकार तेमने मळ्यो। वहां राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आंदोलन से बड़े प्रभावित हुए के त्या राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन थी तेओ खूब प्रभावित थया। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे के सन 1942 में तेमने मृणालिनी स्वामीनाथन साथे लग्न करिया। त्यार पछी पेज नंबर 35 पर उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके केम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में PhD की उपाधि हासिल की के तेमने अंतरिक्षना ऊंडाणोमांथी आवता रहस्यमय ब्रह्मांडना किरणों विषे शोधखोळ करीने अनुसंधान एटले शोधखोळ करीने 1947 केम्ब्रिज विश्वविद्यालयमांथी PhD नी डिग्री छे उपाधि छे ये प्राप्त करी। ब्रह्मांड तथा सौर मंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है के ब्रह्मांड तथा सौर मंडल ना अनेक जटिल प्रश्नों अनेक
कठिन प्रश्नों प्रायोगिक उकेल शोधवा श्रेय है जेना जवाबों शोधवा कार्य जमने करू है डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियां सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल होगी कि ब्रह्मांड किरणों पर प्रयोग करवा माटे हिमालय ना ऊंचा शिखरों सौथी वधु उपयोगी छे अने अनुकूल रहेशे एवं सूचन पण डॉक्टर विक्रम साराभाई करेलू हतु। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस एक प्रयोगशाला स्थापित की। एटला माटे ज भारत सरकारे गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों थी सुसज एक प्रयोगशाला की स्थापना करी। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई के डॉक्टर विक्रम साराभाई ना व्यक्तिगत प्रयासों ने लीधे सन 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की अहमदाबाद में स्थापना थी जिससे वह आजन्म संबंध रहे कि तेओ ए प्रयोगशाला साथे जीवनभर जोड़ायेला रह्या ए प्रयोगशाला साथे जीवनभर जोड़ाईने रहेला। साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएट्स की आधारशिला रखी कि तेमने देश में वस्त्र उद्योग की टेक्निकल समस्याओं निराकरण करने उद्देश्य थी अहमदाबाद में ज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशनों पायो नाख्यो तेमने शुरुआत करी। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति अंतरिक्ष विकिरण सूर्य ग्रह तारा प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर वह कार्य करते रहे के भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति अंतरिक्ष विकिरण सूर्य ग्रह तारा प्लाज्मा भौतिकी और खगोल पर तेओ कार्य करता रहिया। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बनाए गए के सन 1961 में तेमने परमाणु ऊर्जा आयोगना सभ्य बनावामां आव्या। डॉक्टर भाभा के मृत्यु के पश्चात परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के कंधों पर ही आ गया कि डॉक्टर भाभा ना मृत्यु पछी परमाणु ऊर्जा संस्थानों की जवाबदारी युवान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई पर आवी पड़ी। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया तेमने भारतीय अनुसंधान केंद्रनु गठन कर्यो। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने। डॉक्टर विक्रम साराभाई तेना सौ प्रथम तो अध्यक्ष बनिया। यह उनकी अगवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि तेमनी आगेवानी अने सतत परिश्रम ने लीधेज भारत में दूरसंचार दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं कि सतत तेमना परिश्रम ने लीधे ज भारत में दूरसंचार दूरदर्शन अने मौसम विज्ञान माटे मोकलेला अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक काम करी रहिया छे। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया कि डॉक्टर विक्रम साराभाई पोतानु संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान ना समग्र विकास माटे
समर्पित कर दितु। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए के भारत ना विकास में उत्कृष्ट योगदान आपवा माटे तेमने केटलाय राष्ट्रीय अने अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त थयेला छे। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्मभूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकरणों से नवाजा गया। निशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे के सन 1962 में तेमने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्मभूषण तथा मरणोत्तर पद्म विभूषण थी सम्मानित करवामां आवेला। निशस्त्रीकरण संबंधित अनेक महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में पण तेओ भारतना प्रतिनिधि तरीके रह्या। मित्रों अहीं सुधी आपणे भाग एक राखीए, भाग बेनी थी आपणे आगळ अभ्यास करीशुं। अस्तु, जय हिंद, वंदे मातरम।